लीवर हमारे शरीर के अंदर विद्यमान एक बहुत ही अच्छा दोस्त, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हमारा गार्जियन। अब आप भी सोच रहे होंगे कि शरीर के अंदर विद्यमान लीवर हमारा दोस्त कैसे है, हमारा गार्जियन कैसे है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप पूरी अच्छे तरीके से पूरी बारीकी से इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। लीवर जिसका वज़न 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, ये बॉडी के दोनों हिस्सा कहने का मतलब दायां साइड और बायां साइड, ये दायां साइड हो गया और ये बायां साइड हो गया, दोनों साइड में लीवर का फैलाव होता है। 1.5 से 2 किलोग्राम लीवर का वज़न होता है। अब देखिए किसी किसी का लीवर 3 किलो का भी हो सकता है। अब जैसे कि ग्रेट खली, अब उनका लीवर में भी 3 किलो का होगा। या अगर कोई बीमार है, कोई लीवर का बीमारी है, लीवर सोरासिस वगैरह, तो ऐसे कंडीशन में जो लीवर का वज़न है वो, ये जो लीवर दिख रहा है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो लीवर है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गेन है, ठीक है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गेन है भोजन को डाइजेस्ट करने में। चूँकि भोजन का जो डाइजेशन है उसमें बहुत सारे ऑर्गन का रोल होता है। ये अमाशय, पेट का थैली जिसको बोलते हैं, इसके अलावा छोटी आंत और फाइनली बड़ी आंत, उसके बाद फाइनली भोजन, यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है भोजन का वो निकलता है और जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। तो लीवर का भी इसमें रोल है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भोजन के अवशोषण में, भोजन के श्वांगीकरण में लीवर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लीवर स्रावित करता है पित्त को। क्या? लीवर स्रावित करता है पित्त को। पित्त करता क्या है? पित्त एंजाइमों की जो क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसको तेज़ करता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम को लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि एंजाइम कैसे कैसे काम करता है भोजन को पचाने में। तो चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन अवशोषित होता है, जिसको हम लोग एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं खाना का लगना, भोजन का लगना, ठीक है। तो ये जैसे कि होता क्या है दोस्तों कि कोई आदमी अगर बीमार है तो कहा जाता है कि खाते पीते तो सब कुछ है, इनके शरीर को कुछ लगता ही नहीं है। एक पहले एडवर्टाइजमेंट भी आता था जिसमें एक महिला बोलती थी अपने पति के बारे में, वो एक केमिस्ट के पास जाके, कि कोई ऐसा दवा दीजिए ना, ये खाते पीते तो हैं लेकिन लगता नहीं है। ये लगने का क्या मतलब है? लगने का मतलब जो छोटी आंत है, यहाँ भोजन का अवशोषित होना। अगर भोजन अवशोषित नहीं होगा तो कहा जाएगा कि भोजन लग नहीं रहा है, यानी सारा जो मटेरियल है वो बस निकल जा रहा है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो यहाँ जो एंजाइम्स निकलता है छोटी आंत में, इसके क्रिया को तेज़ करता है कौन? पित्त। यानी लीवर का जो भूमिका है खाना पचाने में भी इनडायरेक्ट रूप से है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा लीवर गार्जियन के रूप में काम करता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर लीवर गार्जियन के रूप में कैसे काम करेगा, तो एक बात को समझिए। अगर आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन लिया, अब आज के एक समय में हो क्या रहा है भाई, सबको बॉडी बनाना है, लोग जिम जा रहे हैं, जिम में प्रोटीन के पाउडर खा रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटीन का पाउडर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, अगर सही मटेरियल है तो खाइए। तो जो प्रोटीन है उसका एक मात्रा है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाएंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कोई ना कोई समस्या पैदा होगा। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाइएगा तो लीवर है आपका गार्जियन, लीवर कहेगा वो अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन तुमने खाया है उसको हम कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। तो लीवर एक्स्ट्रा प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो क्या ये गार्जियन का काम नहीं है, एक अच्छे दोस्त का काम नहीं है? थोड़ा सा कुछ गलती हो गया शरीर से, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन हमने खा लिया, तो लीवर करेगा कार्बोहाइड्रेट में उसको चेंज कर देगा, इट्स गुड। तो लीवर तो अच्छा है ना। आगे आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, या यूरिया के निर्माण में सहायता कौन करता है? यूरिया का निर्माण बॉडी में ही होगा, यूरिया के निर्माण में मुख्य भूमिका किसका है, किडनी का या लीवर का? वो आंसर होगा यूरिया के निर्माण में जो मुख्य भूमिका होता है लीवर का। देखिए होता क्या, जैसे ही हम लोग प्रोटीन खाएं तो प्रोटीन खाने के बाद प्रोटीन से अमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है। क्या? प्रोटीन से अमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है। अब क्या है, अमोनिया गैस शरीर के लिए बहुत खतरनाक होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये हमारा पेट है, यहाँ अगर अमोनिया गैस बन जाएगा तो बताइए कितना ज़्यादा दिक्कत होगा, पेट में मरोड़ा होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, दवाइयाँ खाना पड़ेगी। लेकिन लीवर समझदार है, लीवर समझता है, अच्छा चलो ठीक है, इसने प्रोटीन खाया अमोनिया गैस, अब क्या करेगा, अमोनिया गैस को यूरिया में बदल देता है कौन? लीवर। तो लीवर हुआ ना आपका दोस्त, समझ गए होंगे आप लोग। आगे ग्लाइकोजन, अब देखिए एक बात को समझिए, हर आदमी का डाइट एक बैलेंस होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम कितना खाना है, क्या क्या खाना है, कितना विटामिन्स लेना है, कौन सा कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, सही डाइट का यही ना मतलब हुआ। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि एकदम बैलेंस डाइट अब खाना भाई साहब पॉसिबल है नहीं,
तो कुछ ना कुछ अनबैलेंस तो रह ही जाता है। तो ये एक अच्छा मित्र है, एक अच्छा दोस्त है। अब देखिए, अगर आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को खा लिया तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, आपके ब्लड में जाएगा, ठीक है, चारों तरफ जो भी ब्लड वेसल्स है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में फैल जाएगा। यानी कि जो अग्नाशय है, यहाँ ध्यान दें, ये अमाशय है, अमाशय के पीछे ये जो संरचना आपको दिख रहा है ये क्या है, अग्नाशय है, पैंक्रियाज है जो इंसुलिन को निकालता है। अब चूंकि आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में जाएगा, आपके ब्लड में जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में। तो इंसुलिन के पास, अग्नाशय के पास एक सिग्नल मिल जाएगा कि वो ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है, तो यहाँ से अग्नाशय जल्दी ही इंसुलिन को भेजेगा कि तुम लोग जल्दी जाओ और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को न्यूट्रल करो, ठीक है, ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। तो आपको क्या लग रहा है, शरीर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है लीवर है, और सेकेंड जो सबसे लार्जेस्ट है यानी लीवर से जो थोड़ा सा छोटा है वो है अग्नाशय। जब अग्नाशय यानी पैंक्रियाज इंसुलिन को भेज सकता है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या जो इससे भी बड़ा ऑर्गन है लीवर, क्या वो चुप रहेगा? बिल्कुल नहीं। लीवर क्या करेगा, लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देगा और हेपेटिक सेल में स्टोर कर देगा, यानी कि संचित कर देगा। तो समझ गए, यानी शरीर में जैसा ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, तो इंसुलिन भी अपना काम करता है जो पेंक्रियाज से निकलता है। पेंक्रियाज ये है जो पीला रंग का दिख रहा है, साथ ही साथ लीवर का भी एक भूमिका होता है। लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और लीवर में ही जो हेपेटिक सेल होता है वहाँ पर उसको सुरक्षित कर देगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए। अगला, फाइब्रोनोजिन, उसके पहले वसा। ये वसा क्या है, वसा यानी कि फैट। बहुत सारे लोग ज़्यादा वसा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को वसा भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। वसा बहुत सारे लोग कम खाते हैं, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मैं वसा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूं, घी वगैरह या कोई भी इस तरह का जो चीज़ है। तो शरीर क्या करता है, जो गार्जियन है लीवर, इसको लगेगा कि ओ इसने वसा कम खाया है, इसलिए इसने जो कार्बोहाइड्रेट लिया है उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट को क्यों ना मैं वसा में बदल दूँ। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे है फाइब्रोनोजिन। ये फाइब्रोनोजिन क्या है, हेपेरिन क्या है? फाइब्रोनोजिन और हेपेरिन जो है ये प्रोटीन है, और इन दोनों प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, लीवर में ही होता है। अब इन दोनों का काम क्या है, जरा ये समझिए। हेपेरिन नाम से लग रहा है हैप्पी रहना, ये शरीर के अंदर काम करता है। आप हैप्पी कब रहिएगा, जब आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर वे में हो। आप देखते हैं कभी कभी आपका मन बड़ा उदास टाइप का रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, ये कहीं ना कहीं इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं होता है। हेपेरिन क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बड़ा अच्छा करके रखता है, ठीक है, शरीर के अंदर। फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन भी एक प्रोटीन है जो लीवर में ही बनता है। फाइब्रोनोजिन, जैसे कि किसी का हाथ कट गया, तो हाथ कट गया तो अब वहाँ जहाँ हाथ कटा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ उसके आसपास के एरिया में थोड़ा सा थक्का बनना जरूरी है ताकि ब्लड रुक जाए, तो ये काम फाइब्रोनोजिन का करता है, ठीक है। आरबीसी जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, उसका कब्रगाह है लीवर। हमारे शरीर में जो भी आरबीसी है, कहीं भी किसी भी ऑर्गन्स में जो आरबीसी है, हर जगह तो आरबीसी आपको दिख ही जाएगा ऊपर से नीचे तक, तो आरबीसी 20 से 120 दिन जीवित रहता है। या आरबीसी लास्ट में इसको मरना है, आरबीसी को, तो उसका डेथ यहाँ पर, यही उसका कब्रगाह है, ठीक है, यहीं पर आरबीसी की समाप्ति होती है। अगला देखिए, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो गार्जियन से बहुत सारा पैसा लेते हैं कि ये दीजिए, 200 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, यहाँ खर्चा करना है, वहाँ खर्चा करना है, लेकिन गार्जियन समझते हैं कि नहीं, कुछ पैसा है बचा के रखना है, कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। लीवर भी आपका गार्जियन है और कुछ वैसा ही करता है, जैसे कि एफी, फेरम, लोहा, कॉपर, विटामिन B12, इनको सुरक्षित रखता है लीवर। इनका जो एक्स्ट्रा मात्रा है जो हम भोजन में खाते हैं, और जो एक्स्ट्रा मात्रा है लोहा का, कॉपर का यानी तांबा का, विटामिन B12, इनको बचा के रखता है अपने पास, ताकि भविष्य में जब आवश्यकता पड़े तो दे। जस्ट लाइक गार्जियन, गार्जियन क्या करता है, अपने बच्चों को कहता है कि चलो ठीक है, कुछ पैसा हम बचा के रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर तुमको भविष्य में देंगे। तो लीवर भी इनको बचा के रखता है, ठीक। अगला, ताप यानी कि टेम्परेचर। अब आप लोग गौर किए होंगे, चाहे ठंडा का दिन हो या गर्मी का दिन हो, आपके बॉडी का टेम्परेचर लगभग जस का तस ही रहता है कि नहीं। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में शरीर के कई सारे हिस्सों का रोल रहता है, जिसमें लीवर का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो लीवर का एक काम शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी है। हालांकि शरीर के जो तापमान है उसको मेंटेन करने में सिर्फ लीवर का ही भूमिका नहीं है, खून का भी भूमिका है।
लेकिन हम यहाँ चूँकि लीवर की ही बात कर रहे हैं तो लीवर का भी एक भूमिका होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। जहर, अगर भोजन में जहर देख करके किसी को मारा गया है तो उसका जांच, जिस व्यक्ति का डेथ हुआ है उसके लीवर के जांच से ही होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लीवर में पुनर्उद्भवन का क्षमता है, जैसे कि इतना बड़ा लीवर है, ठीक है, ये आपको लीवर दिख रहा है, लीवर को मान लिया कि यहाँ से कट कर दिया जाए, एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो लीवर का ये जो हिस्सा है अगर आप कट करते हो तो ये फिर से नॉर्मल, ये जो साइज है छोटा साइज हो गया, फिर से नॉर्मल साइज हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। ये पुनर्उद्भवन क्षमता है और शरीर के किसी भी अन्य हिस्सा में पुनर्उद्भवन का क्षमता नहीं है, क्योंकि शरीर का एक हिस्सा जो शरीर से अलग हो जाएगा वो फिर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन लीवर में ऐसा है, वो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि मैं लीवर के बारे में आपको समझा सकूं, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आज का ये जो वीडियो है कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।